जुहेब वकार अंकल ने खुद कहा है शामसी की शादी के लिए? ऑफ कोर्स ना यार, जब वो अग्री हुए हैं तभी तो जाकर हुसना पोपो ने उन लोगों को बुलाया है। अच्छा है, शान से जिस तरह से बकार अंकल के लिए और हम सबके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, उसका सलूशन यही है। उसका एटीट्यूड ठीक हुआ नरगिस आंटी के साथ? और नरगिस आंटी का रवैया कैसा है सबके साथ? यार अच्छी है, काफी हम्बल सी खातून है, बल्कि अम्मी की तरह उन्होंने किचन का काफी काम मोस्टली अपने जिम्मे ले लिया है। काम से काम रखती है, ज्यादा बोलती भी नहीं है। शी इज ऑल राइट, शी इज फाइन। और वकार अंकल के साथ कैसी अंडरस्टैंडिंग हुई उनकी, हो गई या नहीं? आई डोंट नो, अगर ना भी हुई हो तो इवेंचुअली हो जाएगी ना। अच्छा खैर यार, ये सारी बातें तुम छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा दिन कैसा गुजरा है यार। एक हफ्ते के लिए गई थी, पूरे 2 हफ्ते गुजार के आई हो तुम। पता है सुहेब, अगर पुप्पू इसरार ना करती ना तो मैं कुछ दिन और रहना चाह रही थी। अरे शीर्ष यार, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुम्हारे बगैर कितना बोर हो गया था, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। क्यों, ऑफिस नहीं जा रहे थे आप? नहीं, जा तो मैं रहा था, लेकिन मोस्टली काम असद भाई हैंडल कर ही लेते हैं। ये तो ठीक बात नहीं है ना जुहेब। मम्मा भी कह रही थी मुझसे कि जुहेब को चाहिए कि ऑफिस में थोड़ा इंटरेस्ट रखे, कुछ चीजों को अपने हाथ में भी ले ले। और वकार अंकल तो घर बैठ गए, उनके पीछे असद भाई ने हर चीज अपने हाथ में रख लिया। हमारी भी फैमिली स्टार्ट होने वाली है, हमें भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए ना। ऐसे तो अच्छा नहीं है ना। क्या तो तुम ठीक रही हो। अच्छा जी, आ गई आपकी मंजिल। क्या मतलब, आप अंदर नहीं आ रहे? अरे यार, दिल तो चाह रहा है कि आज का सारा वक्त तुम्हारे साथ गुजारूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। देखो, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था कि मुझे ऑफिस के मामलों में ना असद भाई के साथ साथ होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी लापरवाही की वजह से मुझे ही नुकसान उठाना पड़े। I'm so proud of you, Zuhair. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको इतनी जल्दी मेरी बात समझ में आ गई। मैंने ये सब कुछ हमारे लिए, हमारे होने वाले बच्चे के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए कहा था। मैं उम्मीद करती हूँ आप मुझे गलत नहीं समझेंगे। क्या हो गया, किस तरह की बातें कर रही हो? मैं तुम्हें गलत क्यों समझूंगा भाई, तुमने तो आके मेरी जिंदगी संवारी, मुझे जीना सिखाया। प्लीज इस तरह की बातें मत किया करो। थैंक यू। अच्छा एनीवेज, मुझे लग रहा है तुम्हें देर हो रही है, पप्पू और भाभी भी इंतजार कर रही होंगी और मुझे भी ऑफिस के लिए निकल। ठीक है, अपना ख्याल रखो। तुम भी, बाय। बाय। न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा।